मोहन के पापा माखन एक बढ़ई हैं, जो कि लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचते हैं। पर जब से बाजार में प्लास्टिक की चीजें आने लगी है, तब से लोगों ने मोहन के पापा से चीजें खरीदना कम कर दिया है, जिससे उनको पैसों की बहुत कमी होने लगती है। पापा, आप मेरे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते, जबकि मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, तुम्हारे पास भी खिलौने की कमी थोड़ी ना है, तुम भी अपने खिलौने से खेला करो। पर पापा, मेरे सारे खिलौने लकड़ी के हैं और पुराने भी हो चुके हैं, पर मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए खिलौने हैं। बेटा, तुम तो घर की परिस्थितियों को जानते हो, तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, उनसे ही खेल लो। ठीक है पापा, लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, आप मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं खरीद कर लाते? मुझे अब साइकिल चाहिए। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और फिर मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ पैसे जुटाकर तुम्हारे लिए साइकिल खरीद सकूं। आजकल मेरी हालत बहुत खराब है ना, तो कोई भी मेरे हाथ से बनी चीजें नहीं खरीद रहा है। अब जमाना बदल गया है पापा, आपको भी ये लकड़ी का काम छोड़कर कोई नौकरी की तलाश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी इस व्यापार में अब कुछ रहा नहीं, मैं कोई नए काम की तलाश करूंगा ताकि कम से कम तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अब माखन अपना लकड़ी का काम करना छोड़कर किसी नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसको इस काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है, इसलिए कोई भी उसको काम पर नहीं रखता। क्या तुम मेरे दुकान पर आने वाले सामान का हिसाब किताब करके मुझे बता सकते हो? नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये सब कर सकूँ, कोई दूसरा काम है तो बताइए। तो क्या तुम पूरे दिन गोदाम से सामान की बोरियाँ पीठ पर लाद कर मेरी दुकान पर ला सकते हो? दिन में तुम्हें कम से कम 100 बोरियाँ लानी होंगी। अपने बेटे मोहन के लिए माखन ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो शरीर से इतना हट्टा कट्टा नहीं है कि हर दिन इस तरह से मजदूरों की तरह काम कर सके। वो दिन की तेज धूप में सामान की बोरी पीठ पर उठाता है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे, तुम में तो जरा सी भी जान नहीं है, तुम क्या काम करोगे मेरी दुकान पर? जाओ, घर चले जाओ और कल से मत आना। अब माखन को महाजन ने भी काम पर से निकाल दिया था। वो और भी कई जगह पर जाकर काम ढूंढता है, पर उसको काम नहीं मिलता और वो उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट जाता है। पर वो देखता है कि मोहन उससे पहले ही घर आ चुका है और उसका भी चेहरा लटका हुआ है। क्या हुआ बेटा, काम मुझे नहीं मिला और चेहरा तुम्हारा लटका है? पापा, आज प्रिंसिपल ने मुझे लेट स्कूल पहुंचने की वजह से घर भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, कल से तुम समय रहते स्कूल चले जाना। पापा, मैं तो हमेशा टाइम से ही घर से निकलता हूँ, पर स्कूल इतनी दूर है कि पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुँचकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने लगता है। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह ही घर से निकल गए थे, पर रास्ता इतना लंबा है कि यहाँ आते आते दोपहर हो गई। यही हाल आपके बच्चे का भी है, वो हर दिन मिड ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुंचता है। शुरू शुरू में तो मैंने माफ कर दिया, पर इसका अब हर जगह यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है, मैडम स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते टाइम लग जाता है। वो सब मैं नहीं जानती, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर रास्ता लंबा है तो बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद दीजिए, पर कल से बच्चे को लेट स्कूल मत भेजिएगा, उसको देखकर दूसरे बच्चे भी लेट आना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ मैडम, बड़े मुश्किल से तो मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर पाता हूँ, अब आप ही बताइए कि मैं उसके लिए साइकिल खरीद कर कहाँ से लाऊं? ये आप जानो कि साइकिल खरीद कर कहाँ से लाओगे, पर मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल के रूल्स तो नहीं बदल सकती ना। स्कूल की जो टाइमिंग रहेगी वो चेंज नहीं होगी, 2-5 मिनट आगे पीछे चलता है, पर 4 घंटे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया, मैं मोहन के लिए साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप इसको स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज। देखिए, मैं भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो, मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे ही हैं, जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा,
और किसी दूसरे अमीर का बच्चा। ये स्कूल है, यहाँ पर सभी को रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है मैडम, अब मैं अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास अपने खुद की एक साइकिल होगी। माखन प्रिंसिपल को नमस्ते कहकर स्कूल से निकल आता है। उसने मैडम से साइकिल खरीदने का प्रॉमिस तो कर दिया, पर उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। मैं मैडम से साइकिल खरीदने का वादा तो कराया, पर मैं साइकिल लाऊंगा कहाँ से? कहीं मेरे मोहन को स्कूल से निकाल ना दे। हे भगवान, अब आप ही मेरी कोई मदद करिए। अब दिन ब दिन मोहन और माखन के गरीबी के दिन बढ़ते ही जा रहे थे, पर माखन मोहन के लिए साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से माखन और मोहन दोनों ही बहुत परेशान थे। माखन अपने घर पर एक दीवार से सर टिकाए बैठा था, पर वो दीवार पीछे खिसकने लगती है। अरे, ये दीवार पीछे क्यों खिसक रही है? लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे माखन को दीवार के पीछे रखा हुआ बड़ा सा लकड़ी का गोला दिखाई देता है। ये लकड़ी का गोला यहाँ कहाँ से आ गया? माखन उस लकड़ी के गोले को साफ करता है, वो चमकने लगता है। ये देखकर माखन खुश हो जाता है। लगता है ये कोई जादुई लकड़ी है, ये लकड़ी जरूर मेरी मदद करेगी। मुझे इससे अपने मोहन के लिए साइकिल बनानी चाहिए। माखन उस जादुई लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। अरे वाह, इस जादुई लकड़ी पर तो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। जैसे ही माखन उस छोटी सी साइकिल को जमीन पर रखता है, वो छोटी सी साइकिल एक बड़ी सी साइकिल में बदल जाती है और वो साइकिल बहुत ही चमकने लगती है, जिसे देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी साइकिल बना दी पापा आपने तो। अब तो स्कूल जाने में देर नहीं होगी ना? नहीं पापा, अब से मैं हमेशा टाइम पर स्कूल जाया करूँगा। अब मोहन अपने पापा की बनाई हुई जादुई लकड़ी की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में मोहन को ज्यादा पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ एक बार ही पैडल मारता है और साइकिल बहुत दूर तक तेजी से भागने लगती है। अरे वाह मोहन, आज तो तुम टाइम से पहले ही स्कूल पहुँच गए। हाँ मिस, ये सब मेरे पापा की बनाई साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतनी जल्दी स्कूल पहुँचा दिया। वाओ, तुम्हारे पापा ने तो सचमुच बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पर आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मिस। अब मोहन हर दिन टाइम पर स्कूल जाता है। उसकी जादुई साइकिल उसको बहुत कम समय में ही स्कूल से घर भी पहुंचा देती है। मैंने अपने बेटे के लिए तो साइकिल बना दी, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्कूल जाने के लिए साइकिल है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे और ना ही कोई अन्य साधन। माखन उस जादुई लकड़ी के गोले से और भी कई सारे साइकिल बनाता है, जो कि जादू से बड़ी साइकिल बन जाती है। अब माखन बाजार में बहुत ही कम कीमत पर गरीब बच्चों को वो सारी साइकिलें बेचा करता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में बिजली तो थी, पर अब तक प्रगति नहीं थी। गांव में पुरानी से एक चक्की थी। इस चक्की का मालिक था राधे श्याम। भाई साहब, आपकी चक्की में पीसे हुए आटे का तो जवाब ही नहीं। पिछले महीने मैं शहर गई थी अपनी बहन के घर, उनके यहाँ ऑटोमेटिक चक्की है। वो आटा बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। आपकी ये हाथ से घुमाने वाली चक्की का आटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी। ऐसे ही थोड़ी हमारे पूर्वज पत्थरों की चक्की बना गए हैं। वो तो है भाई साहब। गांव वालों को ये पुरानी चक्की का आटा ही भाता था। राधे श्याम का बेटा घनश्याम शहर में नौकरी किया करता था। अरे जी, आप घनश्याम को वापस क्यों नहीं बुला लेते? आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा होगा कि वो गांव लौटकर यहीं रहे हमारे साथ। ठीक है, मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ। राधे श्याम ने घनश्याम को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसा चल रहा है जीवन वहाँ? पिताजी, मेरा जीवन यहाँ बहुत अच्छा है। पर बेटा, तू वहाँ अकेले रहता है। तेरी माँ और मैं बुढ़े हो चुके हैं। हमारी इच्छा है कि तू भी हमारे साथ गांव में रहे। मैं गांव आ तो जाऊंगा, पर गांव में काम क्या करूंगा? तू अपनी चक्की चला लेना,
बाबा मुझे आपकी चक्की चलाने का काम बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत मेहनत वाला काम है, आप ऑटोमेटिक चक्की क्यों नहीं डाल देते? क्योंकि गांव के लोगों को बस पत्थर की चक्की पर पिसा आटा ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही खाया है। अगर हम उन्हें ऑटोमेटिक मशीन का आटा देंगे तो कुछ दिनों में उन्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, पर तुम कोशिश जरूर कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं अगले हफ्ते ही गांव लौटूंगा। ठीक है। घनश्याम गांव लौटने वाला है, ये सुनकर राधे श्याम बहुत खुश था। उसने ये बात अपनी पत्नी मनोरमा को भी बताई और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। एक महीने बाद घनश्याम गांव लौटा। वो अपने साथ ऑटोमेटिक चक्की लेकर आया था। ये क्या चीज है बेटा? ये ऑटोमेटिक चक्की है माँ, इसमें बस बटन दबाओ और झट से आटा पिस जाता है। अच्छा है, अच्छा है। राधे श्याम इस चक्की को देखकर परेशान था। वो जानता था कि गांव वालों को पत्थर की चक्की का पीसा हुआ आटा ही पसंद आता है, पर वो घनश्याम को कुछ बोल नहीं सकता था। अगले दिन घनश्याम ने राधे श्याम की दुकान में ऑटोमेटिक चक्की भी लगवा दी। राधे श्याम भैया, ये गेहूँ पीस दीजिए। तभी उस औरत का ध्यान ऑटोमेटिक चक्की पर गया। दीदी ये ऑटोमेटिक चक्की है, बहुत ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं भैया, आप पुरानी पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसना। ठीक है बहन जी। इस औरत की बात सुनकर घनश्याम का मुंह उतर गया। इसके बाद जितने भी ग्राहक आए सभी ने पत्थर की चक्की पे ही आटा पीसने के लिए बोला। सुबह से रात हो गई, घनश्याम की ऑटोमेटिक चक्की पर कोई भी आटा नहीं पीसा। तुम मायूस मत हो घनश्याम, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऑटोमेटिक चक्की पर ग्राहक आएंगे ही। राधे श्याम घनश्याम को दिलासा तो दे रहा था, पर वो जानता था कि ऐसा होगा नहीं। अब तुझे कैसे समझाऊं कि आसपास के कई गांव से लोग सिर्फ पत्थर की चक्की पे आटा पिसवाने आते हैं, लेकिन अगर तेरी ऑटोमेटिक चक्की नहीं चलती तो तू फिर से शहर जाने की जिद करेगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकाल, मुझे मेरा बेटा यहीं पर चाहिए। अगले दिन फिर से दोनों बाप बेटे अपनी चक्की पर लौटे। आज भी राधे श्याम की पत्थर वाली चक्की पर ही भीड़ थी, ऑटोमेटिक चक्की पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब घनश्याम मायूस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ऑटोमेटिक चक्की गांव में बिल्कुल नहीं चलेगी। पिताजी आप सही बोल रहे थे, ऑटोमेटिक चक्की यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस शहर लौट के कोई और काम ढूंढ लूँ। नहीं बेटा, मुझे और तेरी माँ को तेरी जरूरत है, तू यही काम कर ले। यहाँ कोई ढंग का काम कहाँ है? तू मेरी पत्थर वाली चक्की क्यों नहीं चलाता? वैसे भी मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझ में इतना बल कहाँ कि चक्की चला सकूँ। पर पिताजी मुझे इतनी मेहनत का काम कहाँ जमेगा, बेहतर यही है कि मैं शहर में कोई काम करूँ। मैं तो बस बोल सकता हूँ बेटा, बाकी तेरी मर्जी है। उस रात घनश्याम गहरी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे, उसे इतनी मेहनत करने की तो आदत थी नहीं। माँ पिताजी की सोच भी सही है, उन्हें अपने बेटे की जरूरत है, पर मैं दिन भर चक्की कैसे चला सकता हूँ। तभी घनश्याम को एक आइडिया सूझा। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, बेवकूफ हूँ मैं। अगले दिन घनश्याम दुकान पर गया। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का पहिया निकाला और मोटरसाइकिल के पहिए को बेल्ट की मदद से चक्की के हैंडल से जोड़ दिया। ये सब तू क्या कर रहा है, आप बस देखिए। फिर घनश्याम ने चक्की में गेहूं डाला और मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर घुमाया। एक्सेलरेटर घुमाने से चक्की का हैंडल घूमने लगा और आटा पिसने लगा। ये तो जादू है बेटा, बिना चक्की घुमाने की मेहनत किए पत्थर की चक्की में आटा पिस रहा है, बहुत ही बढ़िया। आज से मैं यहीं रहूंगा और आपकी यही पत्थर की चक्की चलाऊंगा, वो भी अपने अंदाज में। राधे श्याम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन से घनश्याम की चक्की जादुई मोटर बाइक चक्की के नाम से मशहूर हो गई। वो कम समय में ज्यादा आटा पीस सकता था, इसलिए उसके ग्राहक भी बढ़ गए और आमदनी भी। फिर कभी घनश्याम के दिमाग में शहर लौटने का ख्याल ही नहीं आया। जादुई मोटर बाइक चक्की ने राधे श्याम और मनोरमा को उनके बेटे का साथ लौटा दिया। बलियापुर गांव में हरि सिंह अपनी पत्नी, बहन और बेटे बंटी के साथ रहता था। हरि सिंह के घर
एक बहुत पुरानी चक्की थी। वो अनाज की पिसाई करने का काम करता था। पापा, हमारी चक्की कितनी पुरानी है? बेटा, मेरे दादा ने ये चक्की बनाई थी, मेरे पापा ने इसका इस्तेमाल किया और अब मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर इसी चक्की का इस्तेमाल करूँगा। हरी सिंह के घर के बराबर में रामलाल का घर था। रामलाल डेयरी चलाता था। वो अपनी डेयरी पर दूध, दही, देसी घी, मक्खन वगैरह बेचा करता था। रामलाल अपने सामान में खूब मिलावट करता था। मिलावट करके उसने खूब कमाई की थी। लाला राम की बेटी मनोरी अपनी अमीरी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन बंटी आटे की बोरी अपने सिर पर रखकर किसी के घर पहुंचाने जा रहा था, तो मनोरी उसे रास्ते में मिल गई। बेचारा गरीब कबाड़ी, बदसूरत बंटी, आटे की बोरियां ढोने के कारण तेरी लंबाई तो बढ़ ही नहीं पाएगी, तू गंठा ही रह जाएगा। तू अपनी चिंता कर। चिंता करने के लिए मेरे पिताजी हैं। उन्होंने मेरी शादी के लिए लाखों रुपए इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तू तो चक्की चला चला कर गरीब ही रह जाएगा। अब चल, निकल ले यहाँ से और आटा पहुँचाने जा, मजदूर कहीं का। बंटी आँखों में आंसू लिए अपने घर पहुँचता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मनोरी मेरा मजाक बना रही थी। वो कह रही थी कि हम गरीब और मजदूर हैं। कोई बात नहीं बेटा, उसे कहने दो। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो खुश ही हो। सच्ची खुशी पैसों से नहीं आती। रक्षाबंधन आने वाला था। लाला राम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्लान बना रहा था। रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा देसी घी बिकता है। इस बार 1 किलो देसी घी में मात्र 100 ग्राम देसी घी और 900 ग्राम केमिकल मिलाऊंगा, फिर होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लाला राम रक्षाबंधन के त्योहार पर भारी मिलावट वाला सामान बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाता है। उधर गांव में केमिकल वाला घी खाकर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गांव के किसी आदमी ने फोन करके घी में मिलावट की शिकायत पुलिस को कर दी। अगले दिन लाला राम की डेयरी पर मिलावट की जांच करने वाली टीम का छापा पड़ जाता है। खाने की चीजों में मिलावट करने के जुर्म में लाला राम को 50 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ता है। लाला राम की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है और घर में पैसों के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। लाला राम देखता है कि हरि सिंह की चक्की बढ़िया चल रही है और वो पिसाई करके अच्छे पैसे कमा रहा है। हरि सिंह अपनी बहन की बहुत धूमधाम से शादी कर देता है। एक रात लाला राम अपनी पत्नी से कहता है, हमारी अब इस गांव में कोई इज्जत नहीं बची है। बेहतर होगा कि हम किसी और गांव में जाकर रहें। लेकिन जाते जाते अपने पड़ोसी हरि सिंह को बर्बाद करके जाएंगे। लाला राम अगली रात हरि सिंह की चक्की चुरा लेता है और अपने परिवार को लेकर भीमपुर गांव भाग जाता है। अगले दिन जब हरि सिंह का परिवार सोकर उठता है तो देखता है कि चक्की गायब है और हरि सिंह रोने लगता है। अरे पिताजी की चक्की कौन ले गया? रोइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, जाकर चक्की ढूंढिए।
हरी सिंह और बंटी पूरे गांव में चक्की ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। वे दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। बेटा, लगता है अब हम सबको मर जाना चाहिए। तेरी बुआ की शादी में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। बिना चक्की के हम अपना पेट नहीं पाल पाएंगे। तभी बंटी को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पिताजी, वहाँ जमीन में कुछ गड़ा हुआ है। हरी सिंह और बंटी दोनों थोड़ी खुदाई करते हैं। जमीन में एक शानदार चमकती हुई चक्की गड़ी हुई थी। ये चक्की तो बहुत पुरानी लग रही है। लगता है पुराने समय में किसी ने इसे यहाँ गाड़ दिया होगा। हरी सिंह और बंटी चक्की लेकर घर पहुँचते हैं। अब देखते हैं कि ये चक्की काम करती भी है या नहीं। हरी सिंह चक्की में एक मुट्ठी गेहूं डालता है और उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन चक्की से आटे की जगह ढेर सारा सोना बाहर निकलता है। अरे, ये क्या, इतना सारा सोना? पिताजी, लगता है ये सोना देने वाली चक्की है। सोना देने वाली चक्की की मदद से हरी सिंह का परिवार जल्द ही अमीर हो जाता है। एक दिन बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भीमपुर के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन टाइम से घर आ जाना। बंटी जब भीमपुर के सिनेमा हॉल पहुँचता है तो उसे मनोरी मिल जाती है। अच्छा, तो तुम लोग गांव छोड़कर यहाँ आ गए। अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि हमारे घर एक चक्की है जो सोना देती है। मनोरी सारी बात जाकर अपने पिता लाला राम को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, उस गरीब और मजदूर हरी सिंह को सोना देने वाली चक्की मिल गई है। तू चिंता मत कर बेटी, कल वो चक्की हमारे घर में होगी। उस रात लाला राम चोरी छुपे नदी के रास्ते अपने पुराने गांव पहुंचता है और हरी सिंह के घर में घुसकर सोना देने वाली चक्की चुरा लेता है। वो चक्की नाव पर रख लेता है और नदी के रास्ते भीमपुर लौटने लगता है। दिन निकलते निकलते लाला राम बीच नदी में पहुंच चुका था। लाला राम चक्की में एक बार में ही 10 किलो गेहूं डाल देता है। चक्की से इतना सारा सोना निकलता है कि पूरी नाव भर जाती है। नाव भारी भरकम सोने का वजन सहन नहीं कर पाती। लाला राम नाव सहित नदी में डूबकर मर जाता है। तभी तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।